आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। जिले के डॉक्टर और जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे को जाता है, जिनके भरसक प्रयास से जिला कोरोना मुक्त हो पाया था। वहीं बाहर से आए कुछ प्रवासी मजदूरों को उनके जिले में रवाना किए जाने की प्रक्रिया के चलते उनकी जांच की जा रही है, जिसमें जांच के दौरान 14 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। शुक्रवार को चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 लोगों में से एक रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जिले में अब कुल 13 एक्टिव केस बचे हुए हैं, जिनका भोगाव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। जहां पूरे भारत में कोरोना वायरस को लेकर भय व्याप्त है, वहीं मैनपुरी में भी 7 एक्टिव केस पाए गए, जहां जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक के भरसक प्रयास के बाद में और डॉक्टरों के प्रयास से जो कोरोना पॉजिटिव साथ पाए गए थे उनका इलाज किया गया और वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई और उनको घरों को अपने भेज दिया गया। वहीं मैनपुरी पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुका था। अब दोबारा से जब फिर से ये प्रवासी मजदूर उसको घर से आए हैं, जो शहर में आए हैं, गाँव में आए हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला अधिकारी महोदय को जैसे ही लगी तो अपनी डॉक्टरों की टीम लेकर वहाँ गांव में पहुँचे, उन लोगों की जानकारी ली और उनकी जांच कराई। जांच कराने के बाद में उसमें से 14 एक्टिव केस पाए गए और कुछ जो संभावित थे उनको भोगांव के क्वारंटाइन सेंटर जवाहर नवोदय विद्यालय पर उनको भेजा गया, जहाँ उनकी रिपोर्ट भेजी गई है। अब रिपोर्ट क्या आती है देखा जाएगा। वहीं डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित भारती ने बताया है कि जो लोग जिनका इलाज 14 लोगों का इलाज चल रहा है उनका, उसमें से आज सुबह शुक्रवार को एक लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि मैनपुरी ज़िले में 14 एक्टिव केस अभी भी हैं और उनका बराबर इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जितनी भी प्रशंसा की है उतना कम है। रात हो या दिन हो, वैसे ही निकल पड़ते हैं, जैसे ही कहीं भी कोई सूचना मिलती है तो तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। आइए मैनपुरी में जानते हैं कि जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के बारे में लोग क्या उनकी राय है, क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? राम नारायण मिश्रा। तो जो अभी ये कोरोना जैसी भयंकर बीमारी चल रही है, तो यहाँ पर मैनपुरी के लोग काफ़ी तारीफ सुना है कि जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या उनके बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे निपट रहे हैं। इन लोगों की कार्यशैली बहुत अच्छी है। डीएम साहब जो हमारे इतने मेहनती हैं, तो वो केयर नहीं करते हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, पैदल ही भागने लगते हैं और सब टाइम से सारे काम उनके हो रहे हैं। इस वजह से ही हमारा भी है और जो मरीज हैं उनका इलाज भी करा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से और भरते ही रहते हैं, ऐसे मानते हैं रात एक करे हुए हैं और उसका रिजल्ट। तो इनको इनको रहते क्या आप सुरक्षित यहाँ मैनपुरी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम सुरक्षित हैं और इससे ज़्यादा सेफ्टी सुरक्षा कोई अधिकारी और दूसरे हमारी जगह में नहीं कर सकता। ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, डीएम और जगह भी हैं लेकिन इतनी मेहनत से नहीं काम कर रहे और विवेक से। सबसे बड़ी बात इन लोगों के अंदर ये है सिस्टमेटिक तरीके से निपटने के हर काम सिस्टम से है। तो आइए यहाँ पर और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। जिला अधिकारी महोदय के बारे में क्या कुछ कहना है? मेरे जिला अधिकारी महोदय जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत एक्टिव हैं। यहाँ मैं देखता हूँ उनको सवेरे 8 बजे लगभग रोड पे निकल आते हैं। जिस टाइम कोई मैसेज मिलता है उसी टाइम रोड पे निकल आते हैं। पीछे कप्तान साहब की भी गाड़ी होती है, उसके पीछे एसडीएम साहब भी होते हैं, सभी यहाँ के अधिकारी जी होते हैं मेरे जिला अधिकारी महोदय के पीछे। लिहाजा इतने एक्टिव होना अधिकारियों का बहुत असंभव है जितने जो हमारे ज़िले पे जिला अधिकारी हमारे महोदय हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ ये इतनी अच्छी अगर कार्यशैली करते हैं उससे सब जनता यहाँ की जानती है मैनपुरी के लिए, उससे हम लोग इतने खुश हैं। ताकि तारीफ जितनी भी कम करो उससे बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे अधिकारी यहाँ होते हुए ऐसे मेरी उम्र में करीब 50 साल की एज है मेरी, ऐसा अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया जैसे हमारे जिला अधिकारी महोदय कप्तान साहब आए हुए हैं। जिस समय ये आए थे मेरी पहली मुलाकात,
इसी नदी पुल की सफाई अभियान में हुई थी, जो नुमाइश पंडाल के पीछे पुल का उन्होंने सुंदरीकरण कराया, उसमें एक्टिव थे, मशीन चल रही है, जेसीबी चलवा रहे हैं, उसके साथ साथ मशीन के पीछे भागते आज यहाँ बीमारी से जिला आया पूरा देश पीड़ित है, उसमें भी जिले के लिए सबसे अधिक मेहनत करने वाले हमारे जिलाधिकारी महोदय वो इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी हमेशा काम करते रहें तो हर जिले का, हमारे जिले का नाम रोशन होगा। वो इसी उम्मीद को हम ये भी चाहते हैं कि हमारे अधिकारी हमेशा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहें और इनको चेंज न किया जाए, ये यहीं पर रहें, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छी खुशी है। जितने युवा हैं, नए हैं, लगन है, और दिन में रात में धूप हो कितनी भी तेज, उसमें भी ब्लैक मार्च पैदल ही दुकानदारों को उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं, भाई इस तरह आप सुरक्षित रहेंगे अपना। जो यात्री या कमजोर लोग आते हैं बाहर से मजदूरी करके या कंपनियों से काम करके, उन्हें भी देख के उनका भी यहाँ इलाज कराते हैं। वहाँ चेकअप कराने के बाद हमारे यहाँ एक देवी रोड पर किरण सिसोदिया स्कूल है आवासीय, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक टीम बना रखी है, वहाँ पे उनका चेकअप कराते हैं। बाकायदा उन लोगों को 10-10 किलो का आटे का पैकेट राशन मुहैया कराने को बाकायदा उनके पैसे देते हैं, साधन पान का भी देते हैं। और यहाँ जो लोग आते हैं बाहर से इतने खुश हैं, उनकी बहुत तारीफ करना, जितनी कम करें उतनी कम। डॉक्टरों का कितना इसमें रोल समझते हैं? डॉक्टर साहब भी यहाँ पे कम से कम, मैं 2 बार यहाँ पे गया हूँ, एक अहमदाबाद से करीब 10 लोगों की टीम आई थी, तो मैनपुरी पे यहाँ रोका, खुद ही अपने ऑटो से आए थे, उनके पास बच्चे भी थे, वो भी थे, तो जिस समय मुझे मैसेज मिली मैं वहाँ पहुँचा, स्कूल में स्वयं गया था, देखा तो डॉक्टर साहब भी सभी लोग वहाँ लगे हुए थे, बाकायदा नियम से उनको देख रहे थे और कम से कम समय लेके उनको बाकायदा संतुष्टि दे के खुश करके यहाँ से विदा करते थे। उसके बाद वो लोग जब जाते थे यहाँ से तो कहते थे मैं तो घबराता था, कितना क्या इलाज होगा, किस तरह होगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इलाज किया, उन्होंने चेकअप किया, उसके बाद उन्हें उनके लिए घर के लिए प्रस्थान कराया। यहाँ पर मैनपुर में कुछ लोगों से जानकारी ली थी, जो यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें से सही भी हो रहे हैं, तो कुछ मैनपुर के यहाँ रहने वाले हैं, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के बारे में यहाँ पर राय ली, डॉक्टर के बारे में राय ली, किस तरीके से क्या संतुष्ट है उनकी कार्यशैली से, तो सभी लोगों ने बताया कि प्रशंसा की कि बहुत ही अच्छी अधिकारी हैं इस टाइम में, और हम लोग कोरोना का महसूस नहीं कर रहे, उनके नियम को जो नियम बता रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। पी न्यूज़ आपसे सभी, पी न्यूज़ के सभी दर्शक हैं जो भी हैं देखने वाले, सभी से पी न्यूज़ की टीम अपील करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सुरक्षित रहें, अपनों को भी खुद भी सुरक्षित रहें, अपनों को भी सुरक्षित रहें। मैनपुरी से विकास तिवारी।